अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है 30K के अंदर के पांच बेस्ट मोबाइल फ़ोन। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ठीक है, जिस तरह टैक्स लगे हैं, टैक्स तो अभी तक जो है हाइड नहीं हुए, क्योंकि जितने भी नए प्राइस आए ना अभी तक मुझे किसी मोबाइल पर भी टैक्स देखने को नहीं मिला है, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, कोई 2000, कोई 2500, कोई 3000 रुपये बॉक्स पैक पर बड़ा बड़ा कर बेच रहा है, और बड़े बड़े डीलर होल सेलर जो है ना माल दे भी नहीं रहे, और जो माल दे रहे हैं तो ओनली कैश पर दे रहे हैं दुकानदारों को भी, ठीक है। व्यूवर्स तो लेते ही कैश पर, लेकिन दुकानदार को क्रेडिट चलता है जैसे कि माल आता है, लेकिन कैश पर हमें भी कैश पर लेना पड़ रहा है, और हर वैरायटी नहीं मिल रही, रनिंग आइटम पर पैसे बढ़ गए। लेकिन फिर भी आपका भाई पांच ऐसे बेस्ट फ़ोन बताएगा जिस पर प्राइस भी नहीं बढ़े, जो आपके लिए है बेहतर है। अगर आपकी रेंज है 30,000 रुपये, 30,000 के अंदर अंदर के पांच ऐसे बेस्ट फ़ोन बताऊंगा जो कि गेमिंग भी हो, कैमरा मोबाइल भी हो और लुक वाइज भी हो। तो सबसे पहले अगर आपकी 30,000 की रेंज है ना, 30,000 में पांच मोबाइल, छः मोबाइल या 10 मोबाइल फ़ोन बता दूँ, जैसे कि रियलमी C53 आता है, C51 आता है, आपके काफ़ी मॉडल्स आते हैं, ओप्पो के मॉडल्स आते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा मोबाइल फ़ोन है? सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन है इन्फिनिक्स का ऑट 40 इसलिए बेस्ट है ना भाई, एक तो लुक वाइज है, ठीक है। आप अगर आप इसका बैक डिज़ाइन देखेंगे ना, ट्रिपल कैमरा, डबल कैमरा और फ्लैश नहीं है, ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, और साथ में एक फ्लैश भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लुक के ऊपर चार चांद लग जाते हैं, बिल्कुल आईफोन वाला लुक आता है, ठीक है। और फ्रंट की अगर बात करूँ तो भाई फ्रंट लुक भी काफ़ी अच्छा है, 6.7 इंच, बैक लुक भी काफ़ी अच्छा है। साथ साथ में अगर प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर भी इसका काफ़ी तकड़ा दिया हुआ है, G88 का यहाँ पर गेमिंग इंजन प्रोसेसर दिया हुआ है, 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग वाली बैटरी आती है, 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ, चार्जर भी यहाँ पर तकड़ा और हैवी दिया हुआ है 33 वोल्ट का, कंप्लीट एसेसरी ये 30,000 में आपको मिल जाएगा। पहले काफ़ी महंगा था, 37 से 38,000 रुपये में था, टैक्स अभी तक इस पर आयद नहीं हुए। आप अगर 8X28 वाला वेरियंट आप अगर इसमें लेंगे तो 30,000 में आपको हॉट 40 मिल जाएगा, जो कि हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। तो इन्फिनिक्स का ऑट 40 आपके लिए बेस्ट मोबाइल फ़ोन है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अगर 30,000 की रेंज है तो ये बाय करें, आप फ़ायदे में रहेंगे। सेकंड नंबर का बेस्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा है? वो है वीकोटेल का Note 23, ठीक है। वीकोटेल का Note 23 इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये प्रोसेसर काफ़ी तकड़ा है इसका, इसका प्रोसेसर है G99 का, इसकी बैटरी भी तकड़ी है, इसके साथ एसेसरीज भी सारी आती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 256 GB है, 8/256 है। अब आप कहेंगे यार Note 24 भी आया हुआ मार्केट में, आप कह रहे हैं Note 23 लो, भाई Note 24 जो है ना, जितने भी मार्केटिंग में आप जाएंगे ना तो मार्केट में शॉर्ट है, Note 24 आपको मिलने वाला नहीं है। तो Note 23 का काफ़ी मार्केट में स्टॉक दोबारा आ गया है, 2023 का मॉडल है ये, बेस्ट मोबाइल फ़ोन है 27,000 रुपये में, वीकोटेल का Note 23। थर्ड नंबर की बेस्ट मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो वो है टेक्नो का Spark 20। Spark 20 इसलिए बेस्ट है कि भाई 30,000 के अंदर टेक्नो का इससे तकड़ा मोबाइल फ़ोन कोई भी नहीं मिलेगा। अगर आप टेक्नो लवर है तो आप जाए बेस्ट मोबाइल फ़ोन लेने, वो है Spark 20, ठीक है। 30K के अंदर की बात करूँ, वैसे तो काफ़ी अच्छे मॉडल आए हुए, लेकिन 30K के बाहर के, 30K के अंदर का सबसे बेस्ट मोबाइल है Spark 20। डबल स्पीकर में आता है, G88 का प्रोसेसर है, 50 MP इसका बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा इसका 13 MP है। बैक कैमरे पे बात करें तो डबल कैमरा आता है 50 MP, साथ में फ्लैश है, इस पर कलर काफ़ी अच्छे, 4-5 कलर आते हैं इसमें, गोल्डन, ब्लैक, ग्रीन और वाइट कलर इसमें अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप लेने जा रहे हैं Spark 20 तो बेस्ट मोबाइल फ़ोन है जो कि मार्केट में आपको 28,000 रुपये में बआसानी मिल जाएगा। तो तीसरे नंबर का हमारे लिस्ट में सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन है Spark 20, जो कि आपको मार्केट में 28,000 में मिल जाएगा। और भाई बात करें फोर्थ मोबाइल फ़ोन के बारे में तो वो है रेडमी का 13C। 13C इसलिए बेस्ट है ना, ये G85 का पहला मोबाइल है रेडमी का जो 30K के अंदर है, इससे भी अच्छे प्रोसेसर वाले रेडमी के आते हैं, लेकिन 30K के अंदर का सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन रेडमी का मैं आपको बता रहा हूँ वो है 13C, ठीक है। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक 4X28 आता है, एक 6X28 आता है। 4X28 लेने अभी जाएंगे ना मार्केट में तो 25,000 का मिलेगा, 6X28 वाला लेने जाएंगे तो वो 28,000 का मिलेगा। अब दोनों में से जौन सा लेना चाहे, 6X28 वाला अगर आपकी रेंज है तो ज़्यादा बेस्ट है। रेडमी का दूसरा फ़ोन आपको G85 के प्रोसेसर में 30,000 के अंदर नहीं मिलेगा,
18 वोल्ट का, इसमें भी फास्ट चार्जर आता है, पायदार काफ़ी है, बैटरी टाइम अच्छी होती है। तो 13C बेस्ट मोबाइल फ़ोन है। फोर नंबर पे अगर रेडमी लेना चाह रहे हो तो रेडमी का सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन आता है भाई 30K के अंदर 13C। तो नंबर 5 की बात करूंगा तो नंबर 5 पर आता है हमारे लिस्ट पे स्पार्स कंपनी का अल्ट्रा 11। ये पहला फ़ोन है जो 30K के अंदर आपको एमोल्ड डिस्प्ले देता है, ठीक है, साथ साथ में आपको G88 का प्रोसेसर भी देता है। और बैक डिज़ाइन इतना यूनिक है कि आप देखेंगे आप बोलेंगे क्या यार डिज़ाइन है इसका, बैक डिज़ाइन 4 कैमरों के बीच में फ्लैश दिखेगा, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार कैमरा बैक पर आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा चौड़ी स्क्रीन नहीं है, थोड़ी लंबाई अच्छी है, थोड़ा सा पतला है और बहुत स्मार्ट साइज है। वाइट कलर आता है इसमें, ब्लैक आता है, वाइट कलर काफ़ी यूनिक है। और फ्रंट कैमरे की बात करो पंच ऑल इसका एमोल्ड डिस्प्ले आता है 6.7 इंच का, ठीक है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी, पाउच शाउच सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा आपको। अल्ट्रा 11 में सबसे अच्छी बात जो है ना इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, ठीक है, G88 का प्रोसेसर के साथ इस स्पार्स कंपनी का वाइड फ़ोन है जो एमोल्ड डिस्प्ले 30,000 के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको मुख्तलिफ कंपनियों के मैंने मोबाइल फ़ोन दिखाए। इसी तरह अच्छे वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को लाइक मारे, सब्सक्राइब मारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।